अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिज़ाइन एक्सपर्ट। मेरा नाम है सुभान और आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर हमें इस तरीके का एक स्क्रीन प्रिंट का डिज़ाइन बनाना हो अपने हुडी या टी शर्ट वगैरह के लिए, तो हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे अपने अडोबी इलस्ट्रेटर में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ आ चुके हैं अपने अडोबी इलस्ट्रेटर में और यहाँ मैंने पहले से टेक्स्ट टाइप करके रखा है जो फॉन्ट का नाम है इम्पैक्ट। और सबसे पहले हम राइट क्लिक करके इसको क्रिएट आउटलाइन कर लेंगे, उसके बाद मैं दोबारा राइट क्लिक करूँगा और उसे अनग्रुप कर लूँगा। उसके बाद हम यहाँ से एम का बटन दबाएंगे शेप्स टूल लेने के लिए और हम यहाँ से एक पतली सी स्ट्राइप बनाएंगे कुछ इस तरीके से, कलर्स का पिंक रख लेंगे। उसके बाद हम जूम करेंगे थोड़ा। उसके बराबर मैं इसकी कॉपी लूँगा, ऑल्ट के साथ पकड़ के ड्रैग करेंगे और उसका मैं कलर वाइट कर दूँगा। उसके बाद हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इनके बराबर में कॉपी लेंगे। उसके बाद हम कंट्रोल डी का बटन दबा के रखेंगे, इनके डुप्लीकेट्स निकाल लेंगे। तो डुप्लीकेट्स निकालने के बाद हम अपनी इस वाइट वाली कॉपी को सिलेक्ट करेंगे और उसे डिलीट कर लेंगे। तो इतना काम करने के बाद हम इन सबको सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शिफ्ट एम ताकि हमारा पाथ फाइंडर ऑन हो जाए। उसके बाद हम ऑल्ट का बटन पकड़ के रखेंगे और हम ड्रैग करेंगे माउस से, ये सारी एक्स्ट्रा लाइन जो है वो हम डिलीट कर लेंगे। ऑल्ट का बटन दबा के रखेंगे और ये सब कट कर लेंगे एक्स्ट्रा पार्ट। बाद हम अपने इसी जो हमारा टैक्स है ऐसे इसको डिलीट कर लेंगे और इन सारी लाइंस को जो है हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे ऊपर नीचे करके, इसे अनइवन कर लेंगे। अभी ये एक सीक्वेंस में है कुछ इस तरीके से। और इसी तरीके से हम अपने बाकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी उनको भी हम बना लेंगे। तो इस तरीके से सारे अल्फ़ाबेट बनाने के बाद हम इन सबको सेलेक्ट करेंगे और इसे मैं सेट कर लूँगा। अब ये तीन अल्फाबेट सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके पीछे मैं एक ब्लैक बॉक्स रखूँगा और उसके बाद हम अपना यहाँ से टेक्स्ट ले आएंगे जो हमने पहले से टाइप करके रखा है। तो यहाँ हमारा जो डिज़ाइन है वो बन के रेडी हो चुका है। तो आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।